अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रैफिक पुलिस की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप लोग मेल्स और फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके ऐड ही आप दे सकते हैं और ये ऐड आप दे सकते हैं 23 जून संडे के डेली न्यूज़पेपर में, और भी वेबसाइट भी आपको बताएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है और इसमें पंजाब वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल आपको सबसे पहले बता देते हैं। इस सेकंड नंबर पे आप दे सकते हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें ट्रैफिक जूनियर ट्रैफिक वार्डन के लिए जॉब्स हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों ग्रेड 11 पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कुछ डिविजन्स के लिए। तो रीजन है इसमें, तो इसमें पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रीजन आपको जो है खुद सिलेक्ट करना होगा कि आप किस रीजन में जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है इसकी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपसे वो शेयर करते हैं, फिर आगे जो इसकी डिटेल है वो आपको बताएंगे। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, BA, BSc, BCom, BBA, इससे रेलिवेंट जो डिग्रीज होती हैं ग्रेजुएशन डिग्रीज वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो हाइट है मेल्स के लिए 5.7 होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए 5.2 होनी चाहिए, और जो चेस्ट है मेल्स के लिए वो होनी चाहिए 33x34, ये मेल्स के लिए चेस्ट होनी चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एज है ये 19 से 23 साल तक एज होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और इसमें 19 से 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, और इसके आगे इसका पेपर पैटर्न है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पेपर आएगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं रीजन की। सबसे पहले रीजन है शेखुपुरा रीजन, और इसमें आपका मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल जो है ये शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर का होना चाहिए अगर आप शेखुपुरा रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद है गुजरांवाला रीजन, और इसके अलावा इसमें जो डोमिसाइल होना चाहिए आपका नारोवाल, हाफसाबाद, और इसके अलावा आप देख सकते हैं मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, ये आप यहाँ का होना चाहिए आपका। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट रीजन है इसमें आप देख सकते हैं सियालकोट रीजन है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें जो आपका है ये डोमिसाइल होना चाहिए सियालकोट का मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। इसके बाद रावलपिंडी रीजन है, और इसमें आपका जो होना चाहिए डोमिसाइल वो अटक चकवाल और जेलम का होना चाहिए। इसके बाद है सरगोधा रीजन, इसमें आपका होना चाहिए डोमिसाइल सरगोधा, भक्खड़, डोमी और इसके अलावा खुशाब और मियांवाली का आपका डोमिसाइल होना चाहिए किसी भी इलाके का। इसके अलावा साहिवाल रीजन है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आपका जो डोमिसाइल है वो साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा का होना चाहिए। इसके बाद है मुल्तान रीजन, और इसमें आपका होना चाहिए जो आपका ये है डोमिसाइल वो होना चाहिए खानीवाल, लोधरा और बिहाड़ी का। इसके बाद है बहावलपुर रीजन, इसमें आपको डोमिसाइल होना चाहिए बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर का। और इसके अलावा डीजी खान रीजन है, इसमें आपको डोमिसाइल होना चाहिए डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लैया का। आपकी जो पोस्टिंग है ये आपकी ऑल ओवर पंजाब होगी कहीं पे भी। तो इसके क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई होगी क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री बीए वाले कर सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका पेपर पैटर्न है, ये आप दे सकते हैं जनरल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस में से 40% जो है वो पेपर आएगा। इसके अलावा जो आगे से और होते हैं ये मैथमेटिक्स, और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम वर्क इंटरेस्ट और इस किस्म का जो क्वान्टिटेटिव पेपर होता है उसमें से 30% आपका आएगा, और IT एंड लैंग्वेज कंप्रिहेंसन का जो होता है उसमें से 30% आपका पेपर आएगा। इसके सारा MCQs टाइप होगा पेपर जो है। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। इसकी लास्ट डेट 8 जुलाई है, और ये ऐड आप PPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी देख सकते हैं। 23 जून डेली जंग न्यूज़पेपर के में भी देख सकते हैं, लाहौर का जो जंग न्यूज़पेपर है उसमें भी देख सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है ये 600 रुपये फ़ीस है। आपने सबसे पहले इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है PPSC की वेबसाइट से, फिर उसको बैंक में 600 रुपये फ़ीस जमा करवानी है, और फिर वापस आकर आपने उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसके जो फर्दर इसमें जो कंडीशंस हैं ये आपने रीड कर लेनी है इस एड में, ये आपको डायरेक्टली आप वहाँ पर जाकर
दे सकते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे, और 8 जुलाई से पहले आप इसमें अप्लाई जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।